आज के वेबिनार का विषय है केएम प्लॉट के उपयोग से गणित को दृष्टिगत करना, यानी गणित विषय को हम केएम प्लॉट की मदद से समझने का आज प्रयास करेंगे। मैं रमेश बड़ोनी, प्रवक्ता फिजिक्स, राजकीय इंटर कॉलेज मिश्रास पट्टी देहरादून में कार्यरत हूँ, और मुझे राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार 2012 और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 मिला है। तो आइए हम आज बात करते हैं के एम प्लॉट के बारे में, कि के एम प्लॉट क्या है, इस एप्लीकेशन को कौन और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम इस के एम प्लॉट को अपनी कक्षा में किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं शिक्षण के दौरान। इस तरह से हम जब के एम प्लॉट के बारे में बात करते हैं, तो यह एक केडीई डेस्कटॉप के लिए गणितीय फंक्शन प्लॉटर है। आप सभी गणितीय फलनों को इस एप्लीकेशन के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, नया फलन बना सकते हैं, और पोलर, बीजगणितीय, कार्टिजन या जो भी हमारे व्यंजक होते हैं उनको ग्राफ के द्वारा हम दृष्टिगत कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। यह एक जियोजेब्रा ऐप की तरह भी कार्य करता है। यहाँ पर हम सारे ग्राफ को एनिमेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको कलर दे सकते हैं, रंगीन बनाकर बच्चों के लिए क्लास में अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और यह किसी भी स्तर के विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्लॉट, पैरामेट्रिक, पोलर, हैं, सिमेट्रिक आदि हम इससे खींच सकते हैं। हम उच्च विन्यास वाले ग्राफ इससे बना सकते हैं। इसका आउटपुट PNG या SVG में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन और समाकलन, अवकलन के जो ग्राफिकल फंक्शन है उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से यह हमें बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग तरह से उपयोग में देखने को मिलता है। यह दुनिया भर के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, उनका एक समूह है जो मुफ्त सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और केडीई समूह के साथ अपना योगदान देते हैं। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो मुफ्त सॉफ्टवेयर बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम अपने क्लासरूम शिक्षण के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। तो जैसे कि के एम प्लॉट फंक्शन प्लॉटर उनमें से एक है। ऐसे बहुत सारे हमें फंक्शन मिलते हैं, जैसे एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, फ्लैश कार्ड ट्रेनर, है ना, लैब प्लॉट, ऐसे रॉस ग्राफ थ्योरी, वर्चुअल ग्लोब, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो केडीई डेस्कटॉप पर उपलब्ध हैं। तो आइए बात करेंगे कैसे उपयोग करेंगे के एम प्लॉट को और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें हम कई तरह के ग्राफ्स वगैरह हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं, और हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले ये सीखेंगे। तो हम इसका जो इंस्टॉलेशन है उबंटू प्लेटफॉर्म पर करेंगे। तो हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हम उबंटू को अपने सिस्टम में जाके ओपन करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे विंडो एप्लीकेशंस होते हैं। हम इसे लिनक्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मैं उबंटू प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उबंटू की विंडो में जाके इसको इंस्टॉल करेंगे के एम प्लॉट को। हम जाके सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेटर है वहाँ पर इसको सर्च करेंगे कि के एम प्लॉट हम वहाँ पर विंडो पे लिखते हैं। तो जब हम इसे सर्च करेंगे तो के एम प्लॉट हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और उसको सेलेक्ट करके हम इसको अपने विंडो पर इंस्टॉल कर देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4-स्टार कैटेगरी में है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिकल फंक्शन प्लॉटर है, और जिसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो क्लासरूम में बच्चों को सीखने में मदद करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे दिखता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा। इसमें ये फाइल मेन्यू है, इस फाइल मेनू में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एज़ यूजुअल जैसे कि और ऐप में भी होते हैं, कि कैसे आप जो है फाइल ओपन करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रिंट आउट करेंगे,
या सेव करने के लिए इसमें क्या क्या इसमें एक्सटेंशन है, क्या क्या आउटपुट फॉर्मेट हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें नॉर्मल सेव भी आप कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट मोड में है, या आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है PNG इमेज, हम यहाँ से बना सकते हैं अपने ग्राफ की, या JPEG बना सकते हैं, या SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट हम यहाँ पर आउटपुट के तौर पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब हमारे ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। इसी तरह से हम व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो हमें व्यू ऑप्शन में इसका फुल स्क्रीन मोड देख सकते हैं कि कैसे हमारा ग्राफ दिखेगा। हम अपना क्रॉस वायर को जहाँ जहाँ पर फिक्स करना चाहें वो कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के यहाँ पे फंक्शन है। हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी ग्रिड पे दे सकते हैं, यानी जो स्केल हमें चाहिए उस स्केल में हम इसे बना सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिनिमम मैक्सिमम हमने कहाँ पे रखना है। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस भी हम बदल सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन कैसे विजुअलाइज कराना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, या इन जनरल हम इसे डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हैं। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इक्वेशन एडिटर में जाके, वहाँ पर हम इसको अलग अलग कॉन्स्टेंट या वैल्यू दे के भी इसको बदल सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने कितना अट्रैक्टिव जो है प्लॉट करना चाहते हैं या ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा प्लॉटर है जिसमें आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो आप अपने बच्चों के साथ इंटरैक्टिव स्केल बनाकर बच्चों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपके पास कोई भी चीज़ आपने की है उसको रीडू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर भी ऑप्शन में है। ये कैलकुलेटर जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हमें कोई भी एक्सप्रेशन अगर देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कोई एंगल की वैल्यू देनी है उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टेंट भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई फंक्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो ये कैलकुलेटर की मदद से आपको मिलेगा। इसी तरह से आप प्लॉट एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो ग्राफ भी आपको मिलेगा उसका आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं या उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। ये बड़ी क्लास में बहुत ही यूज़फुल होता है। इसी तरह से हम सेटिंग में जाके अपने टूल बार को भी सेट कर सकते हैं, और हमारे पास जो टूल बार होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शन हैं की बनाने के, एनिमेट करने के, और मतलब अपने काम को आप जितना फास्ट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड पर जो है ये ऑप्शन को देकर जो है आप अपने प्लॉटर को फास्ट और स्पीडी बना सकते हैं। और जैसे कि ये जनरल कुछ कमांड्स होती हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो कमांड आप देकर जो है अपने पूरा प्लॉटर के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि आप टूल बार में कोई पर्टिकुलर विंडो को आप एक्शन देना चाहते हो, या आप उस पर कोई ऑप्शन लगाना चाहते हो, तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हो। ये जस्ट अपने लेआउट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इवन आप आइकन बदल सकते हो जो आई कैची हो, ताकि आपको इजीली जो है जो विंडो पे एक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इवन आप अलग अलग चीज़ को एम्बेड भी कर सकते हो, और वो लगा के आप अपने प्लॉटर पर जो है प्रदर्शित कर सकते हो, ताकि आपको आसानी हो किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने में। और टेक्स्ट भी आप बदल सकते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट की का जो है टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो, जो टेक्स्ट यहाँ लिखा उसे आप बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऐप है जहाँ पर आप ऑलमोस्ट सभी तरह की सेटिंग आप अपने ग्राफिक विंडो पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डायग्राम का जो साइज़ है, लाइंस हैं, ग्रिड है ना, और कोऑर्डिनेट का जो टाइप है, ग्रिड स्टाइल है, उसे बदल सकते हैं। जो लेबल हैं एक्सिस के, उनको बदल सकते हैं, एक्सिस का विड्थ बदल सकते हैं,
उसकी जो साइज़ है, कलर है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको किस कलर का ग्रिड चाहिए वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट टू मेक अट्रैक्टिव प्लॉट और ग्राफ। आप जो है इसको अपने हिसाब से जो भी आपको लगा या ज़रूरत आपको जिस चीज़ की वो कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट के फॉन्ट बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, उनको अलग अलग इफ़ेक्ट आप दे सकते हैं। ये सब वो जर्नल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं एक नॉर्मल विंडो में जो होते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप प्लॉटर है जो किसी भी प्रकार के फंक्शन को हमें यूज़ करने में मदद करेगा। इसका हमें हेल्प पर जाके अगर हम जाएंगे तो हमें एक मैनुअल मिल जाएगा। उस मैनुअल की मदद से हम कैसे हम प्लॉट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को, वो हमें दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे के एम प्लॉट को। तो हम यहाँ पर इस के एम प्लॉट को अब विस्तृत में कुछ फंक्शन को प्लॉट करने के लिए यूज़ करेंगे जो हमारा आज का पर्पज है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट ऑप्शन पे जाता हूँ। क्रिएट ऑप्शन में जाकर मैं ये कोई भी फंक्शन कार्टीजन, पैरामेट्रिक, पोलर या इम्प्लिसिट को सेलेक्ट करूँगा, है ना। और वो सेलेक्ट करने से पहले मैं एक बारी को अपने पूरे प्लॉटर एरिया पर जो है ग्रिड साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ, उसको ठीक कर सकता हूँ ताकि वो मेरे को मतलब देखने में सही लगे, या मैं उसको रीसेट कर सकता हूँ जो डिफ़ॉल्ट मोड में है। फिर मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले मान लीजिए मैंने कार्टीजन प्लॉट सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पर जैसे देख रहा हूँ कि मैंने कोई फंक्शन लेना है, कोई भी एलजेब्रिक ले सकते हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ये जो इनपुट है यहाँ पर बॉक्स बना हुआ, इस इनपुट में हम अपनी कमांड देंगे। जो भी कमांड हमको देनी है वो हम यहाँ पर इनपुट में लिखेंगे और उसका जो है हमारा राइट हैंड साइड पे प्लॉटर बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक पैराबोला बन जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे ये एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया तो देखा कि एक पैराबोला यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ इनपुट में आपको ध्यान रखना है कि आप कमांड देते समय आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम कमांड देंगे। जैसा आप कमांड देंगे उसी हिसाब से आपका आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पर ये एक कार्टीजन फंक्शन है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने दूसरा कोई फंक्शन इंसर्ट कर दिया जी एक्स, है ना। मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ साइन ऑफ एक्स, तो ये जो है साइन एक्स का यहाँ पर ये एक प्लॉट बन गया। तो जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि ये एक साइन एक्स का एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लॉट यहाँ पर बन गया है, ग्राफ बन गया है। तो ये जो ग्राफ हैं ये बेसिकली आपको जब इनपुट में आप कमांड दे रहे हैं वो फंक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे उसका अच्छा सा एक ग्राफ बन रहा है। तो एक पैराबोला और साइन कर्व यहाँ पर आपको दिख रहा है। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके जो वैल्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अपना क्रॉस वायर को रखेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे उनके वैल्यूज़, आप स्क्वायर रूट वैल्यूज़ या उनके जो पर्टिकुलर जगह पे उनके कोऑर्डिनेट हैं उन कोऑर्डिनेट को हम ज्ञात कर सकते हैं। सेंटर पे वो जहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं दोनों कर्व, जहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। यानी कि आप सिंपली आपने करना क्या है कि ये जो आपका क्रॉस वायर है, फोर लेन जो आपको दिख रही है मार्कर है, इस मार्कर को आप जहाँ पर सेट करेंगे उस जगह के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, साथ ही आपको उस जगह पर कितना उसका रूट वैल्यू है, उस फंक्शन का सॉल्यूशन कितना है वो वैल्यू हम वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं ये अभी कार्टीजन प्लॉट यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ और मैंने दो ही फंक्शन लिए हैं एफ ऑफ एक्स और जी एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो फीचर्स है ये आपको जियोजेब्रा वगैरह में भी देखने को मिलता है, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग फंक्शन के रूट एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर अपना क्रॉस वायर रखेंगे वहाँ पर आपको वैल्यू दिखेगी। तो इस तरह से
आपको बहुत ही अट्रैक्टिव अन्य फंक्शनों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी जैसे ट्रिग्नोमेट्री के और भी फंक्शन हैं उनके लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे, और आगे ये हम और में भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो आप इन्हीं फंक्शन को जिनके आप वैल्यूज़ देख रहे हो यहाँ प्लॉटर पे, उनको आप चेंज कर सकते हो, या उनको आप कोई नई वैल्यू देकर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर एक जर्नल कोई वैल्यू लिख दी है, मान लीजिए फिर से मैंने कोई नया फंक्शन ले लिया एच ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो ये एफ जी एच अलग अलग फंक्शन हमने लिए हैं तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो जैसे अब मैं कॉस एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, अगर देखो मैं गलत कमांड दूंगा तो ये लेगा नहीं, तो मेरे को कमांड भी सही देनी है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इनपुट बॉक्स में कमांड है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए कोई भी, तो कमांड को आप प्रॉपर देंगे तो आप तभी जाके उसे सामने उसका प्लॉटर देख पाएंगे। तो कोई भी प्लॉटर को देखने के लिए आपको कमांड लाइन को सही सही देखना है। तो यहाँ पर जैसे कॉस एक्स का कमांड सही हो गया तो आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये कॉस ग्राफ है, तो हमारे पास साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ दिख रहे होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं और दोनों के कलर भी अलग अलग हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं इनको यहाँ से गायब भी कर सकता हूँ, अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, जो मुझे चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, जो नहीं चाहिए उसको मैं अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। या आप ऐसा कह लीजिए कि मेरे को यहाँ पर कोई वैल्यू अगर चेंज करनी है साइन एक्स की या कॉस एक्स की, तो मैं वो वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पैराबोला हटा दिया, अनसेलेक्ट कर दिया, तो पैराबोला चला गया, साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर दिखता है। इसी तरह से आप चाहें तो इनके नाम भी आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पैराबोला ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं पैराबोला। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जिसको हमने शुरू में एफ ऑफ एक्स लिखा था अभी उसको पैराबोला लिख दिया, नाम दे दिया, तो उस जगह पर अगर आप ग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक पैराबोला ही है। तो आप इसका जो है प्लॉट एरिया निकाल सकते हैं, इसकी लाइनों का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल बदल सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, और जैसा आपको चाहिए आप देख रहे होंगे तो उसी तरह का आप कर सकते हैं। आप उस प्लॉट का नाम लिख सकते हैं, और जैसे कि अभी हमने उस प्लॉट का नाम लिखा था पैराबोला ऑफ एक्स, तो आपको दिख रहा है कि ये पैराबोला ऑफ एक्स वहाँ पर आ गया है। इसी तरह से हम साइन फंक्शन को अगर मान लीजिए अनसेलेक्ट कर दिया तो चला गया, अगर हम कॉस को अनसेलेक्ट कर देंगे तो वो चला जाएगा, या हमें उसका कलर बदलना है, लाइन बदलनी है, एरिया बदलना है ना, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ही यूज़फुल ये टूल है, और इसमें ये इसका बहुत बड़ा फीचर है कार्टीजियन का, कि आप इसको किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैराबोला में एक +1 का इंटरसेप्ट और लगा दिया, इसमें ऐड कर दिया +1, तो देखो आपका जो पैराबोला था वो शिफ्ट हो गया है +1 पे, वो पहुँच गया 0 से। ऐसे मान लीजिए मैंने +4 कर दिया तो वो और ऊपर चला गया है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा आप इक्वेशन में जो जो चेंजेस होंगे वो आपको सामने ग्राफिकली दिखेंगे, और आपको ये पता चलेगा कि कितना वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट है, कितना वहाँ पर उसका एरिया है, क्या उसकी वैल्यू है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको बच्चे को क्लास में क्या पढ़ाना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइजेस, हम जो है अलग अलग प्रकार के प्लॉट यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको जर्नलाइज भी कर सकते हो, दो दो फंक्शन को भी कंबाइन कर सकते हो, ये भी इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। तो जैसे मैं यहाँ पे जी एक्स और पैराबोला ऑफ एक्स को कंबाइंड कर रहा हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन लाइन यहाँ पर जो आई है ये दोनों फंक्शन का एडिशन है, यानी ये जी एक्स और पैराबोला दोनों ऐड हो गए। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये मतलब इतना अच्छा आपका ऐप है कि आप जो है दो दो फंक्शन, तीन तीन फंक्शन को भी एक साथ जो है ऐड करके देख सकते हैं, और उनका रिजल्टेंट वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यह इसकी खास बात है कि आप दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को भी एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसको आप हाईलाइट करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्टीजन फंक्शन को प्लॉट करने में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है, और आप चाहें तो इनको यहाँ पर एक बारी को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
आप इनको जूम कर सकते हैं एक्सिस पे, अगर आपको बड़ा करके दिखाना है, आपको डिटेल में बच्चों को समझाना है, तो आप उनको पूरा स्केल को जूम कर सकते हैं, यानी हर प्लॉट को, हर ग्राफ को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और बच्चे को क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में इसको शो कर सकते हैं, ताकि वो जो है ये समझ सके कि पर्टिकुलरली कहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है। तो जूम इन करके, जूम आउट करके आप ग्राफ को और भी अच्छे से क्लासरूम में, कक्षा शिक्षण में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक इसका और भी बढ़िया फीचर है कि जो भी आपने प्लॉट किया है, जिस फंक्शन को आपने दर्शाया है, आप उस प्लॉट को जो है जूम इन करके, जूम आउट करके बच्चों को दिखा सकते हैं, और फिर आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं कि जैसा आपका वो दिख रहा था आप वैसा इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जैसे पैराबोला है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या साइन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, और हम इसका मैक्सिमम मिनिमा भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला देखी तो वो कितनी आई है, तो X8 पे वो 65.98 आई है। इसी तरह से और फंक्शन की भी वैल्यूज़ अलग अलग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव इसका एक फीचर है जो हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेटर की मदद से हम यहाँ पर फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जो फंक्शन हमें चाहिए, जो कांस्टेंट की वैल्यू हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने साइन एक्स की वैल्यू ली है या कॉस की ली है, तो हम उस कॉस की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर में वो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। तो ये प्लॉटर के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि आपने जो भी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे निकालनी है वो निकाल सकते हैं। ये इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, और इसको ख़ास करके बच्चों को जो है, आप एट ए टाइम बोलते हो कि आप टेबल देखिए, वहाँ से देखिए, तो वो सब आपको नहीं देखनी पड़ेगी, यहीं पर ही बच्चा जो है अपना जो पर्टिकुलर वैल्यू है कांस्टेंट का उसे ज्ञात कर सकता है। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कैलकुलेटर, इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, और वहाँ से आप जाके कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो टेंजेंट हो, कॉटेंजेंट हो, या कोई भी वैल्यू हो, वो यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया, तो आप देख रहे होंगे वो 2 की लाइन, वो एक पैरेलल रेड लाइन वहाँ पर आ गई है, तो वो स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। इसी तरह से आप कोई और दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस जो मैथ्स में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में यूज़ होते हैं, उन फंक्शंस की वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट में देकर जो है एक्सप्रेशन में जाके यूज़ करके हम डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अलग अलग वैल्यूज़ को, अलग अलग फंक्शन को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और इससे आपका जो ग्राफिकल व्यू है वो अट्रैक्टिव भी होगा, साथ ही साथ लाइव होगा, और क्लासरूम में समझाने में आपको इजी होगा, और आप किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इक्वेशन का भी आप एक्सप्रेशन लिख के उसका प्लॉटर यहाँ पर खींच सकते हैं, और जो कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे समझाने में उनको आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आप इतने बार प्लॉटर लगाओगे तो यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने लॉग की वैल्यू लगा दी, तो लॉग का लॉग ऑफ एक्स कोई भी आप फंक्शन दे रहे हो वो निकाल सकते हो। तो कोई भी, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या समझा रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इतना आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी इक्वेशन को आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इतना अच्छा फीचर आपको दे रहा है कि आप अपने मन के हिसाब से प्लॉटर में अपने हिसाब से चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभी मैं इतना यहाँ पर कह सकता हूँ कि कोई भी फंक्शन आप लेना चाहें, साइन, कॉस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, या अन्य कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन आप यहाँ पे देंगे, तो उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने जो बनाया उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था, है ना, आप इसको जर्नल जो है के एम प्लॉट का जो एक्सटेंशन है उस पर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, है ना, या फिर आपने जो प्लॉट बनाया है उसका नाम दे के, सेव प्लॉट 1 मैंने दिया, उसको सेव कर सकते हैं, और फिर उसको आप देख भी सकते हैं आउटपुट में कि आपने जो प्लॉट बनाया वो आपको कैसे दिखेगा। तो आप उस प्लॉट को भी ओपन कर सकते हैं।
या आप उसको किसी और अन्य फॉर्मेट में उसको बदलना चाहते हैं तो आप वो भी बदल सकते हैं कि आप उसको मान लीजिए जेपीईजी में देखना चाहते हैं तो वो प्लॉट आप जेपीईजी में देख सकते हैं। तो वो आप जो है आपकी इच्छा है, आपको कौन सा आउटपुट चाहिए और किस आउटपुट फॉर्म में आप उसको देखना चाहेंगे। इस तरह से ये हमारा एक प्रकार की प्लॉट थी। इसी तरह से अब हम दूसरी तरह के ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इम्प्लिसिट प्लॉट को देखना चाहता हूँ या पोलर देखना चाहता हूँ, पैरामेट्रिक देखना चाहता हूँ, तो मैं और भी प्लॉट यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी इम्प्लिसिट ले रहा हूँ। इम्प्लिसिट मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को मेरे को देखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल यहाँ पर दिखाए हैं f(x,y) और उसके लिए मैं कोई इक्वेशन लिखा हूँ, जैसे यहाँ पे उस इक्वेशन के लिए मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लिखा है जैसे x² + y² मैं सर्किल की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दो वेरिएबल हैं तो दो चर राशियाँ हैं, उन राशियों के लिए जैसे मैंने लिखा है x² + y² = 25, तो यहाँ पर एक सर्किल की ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहाँ पर जो है ग्राफिकली ऐसे दिखेगी। अब ये थोड़ा सा विंडो का ये थोड़ा सा डिफॉल्ट मोड में है, इसलिए पूरा सर्किल जैसा नहीं दिख रहा, अब बट ये है सर्किल क्योंकि इक्वेशन सर्किल की है ये। तो जैसे मैं वैल्यू बदल रहा हूँ तो सर्किल भी चेंज हो रहा है ना। तो आपने देखा होगा कि x² + y² = a² एक जनरल इक्वेशन सर्किल की होती है ना, तो वो इक्वेशन ही मैंने यहाँ पे ली है। तो मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहता हूँ एज़ यूज़ुअल तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। मैं इक्वेशन का नाम बदलना चाहता हूँ वो मैं बदल सकता हूँ। तो ये एक जनरल सर्किल की इक्वेशन थी। आप इस इक्वेशन को बदल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरी इक्वेशन भी आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इलिप्स की इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इलिप्स की मैंने लिख दी x² / 9 + y² / 16 = 1। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसने उसके बाहर ही दूसरा जो फंक्शन है वो एक इलिप्स बना दिया है। तो ये एक अच्छा सा जो है इलिप्स जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। आपको थोड़ा जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज लग रहे हैं, और विंडो का थोड़ा डिफॉल्ट है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इक्वेशन जो है इलिप्स की है। और तो इक्वेशन इलिप्स की है तो ग्राफ भी इलिप्स का ही होगा ना। तो ये मेरे डेस्कटॉप का भी कुछ हो सकता है इशू, और या फिर ये इस प्लॉटर का भी इशू हो सकता है। अब देखो जैसे मैंने इक्वेशन बदली तो अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर एक इलिप्स जैसा ये बन गया। तो मैं इक्वेशन बदला हूँ x² / 64 y² / 9 = 1, तो अब आपको इक्वेशन का प्लॉट दिख रहा होगा। तो एक प्रॉपर जो है ये आपको इलिप्स फॉर्म में ये दिख रहा है। इसी तरह से आप और भी अलग अलग इक्वेशन ले सकते हैं ग्राफ का, जैसे मैंने पहले बताया आप कलर बदल सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं, या आप प्लॉट का एरिया बदल सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स को हम बदल बदल कर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप सेलेक्ट करोगे वो दिखेगा और जो नहीं करोगे वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, या डिलीट कर सकते हो आप सारे फंक्शन। तो इस तरह से हमने जो भी प्लॉट कर रहे हैं ये अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग टाइप के दिखा रहा हूँ। अभी मैं पोलर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं और पोलर ग्राफ फिर कैसे बनेंगे। तो पोलर फंक्शंस जैसे कि हमारे पास साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या एंगल के फंक्शन होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा r = 3, तो ये पोलर इक्वेशन है, तो एक सर्किल है जिसका रेडियस 3 है, तो वो यहाँ पर आपको जो है उसने एक बाय डिफ़ॉल्ट उसने जैसे मैंने r = 3 लिया तो उसने बदल दिया। इसके एंगल्स हम चेंज करेंगे तो अलग अलग एंगल पे ये अलग अलग वैल्यू देगा। तो मैं जैसे पाई बदल दूंगा तो पाई का वैल्यू जो है अलग अलग पाई के लिए ये अलग अलग होगा। जैसे खाली पाई लिया तो ये हाफ सर्किल हो गया है ना। मैं π/2 लूंगा तो ये आप देख रहे होंगे एक क्वाड्रेंट आ गया, यानी 1/4 आ गया। तो हम जैसे जैसे इक्वेशन एडिटर में जाके कांस्टेंट के मान बदलेंगे, एंगल के मान बदलेंगे, उसी तरह से हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट बदलने पे जो है वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का आपका स्वरूप बदलेगा, उसका ग्राफिक्स चेंज हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू के लिए आप यहाँ पर प्लॉट रेंज फिक्स कर सकते हैं, उसका जो फंक्शन का वैल्यू है रेडियस है या कोई और भी जो वैल्यू है वहाँ पर डायमीटर है, कोई इक्वेशन को आप बदलेंगे तो आपका ग्राफिक्स में वो दिखेगा है ना। अब मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, जैसे r(a) = मैंने लिया a। अब आप देखो तो एक कितना अच्छा सा स्पायरल जैसा यहाँ पर एक
शेप आ गया है। तो इस कर्व को अगर आप देखेंगे, मैं इसका वैल्यू बदल रहा हूँ 2a, है ना, मैं जनरल फॉर्म जनरल वैल्यू दे दी, a बाई टू कर दिया, तो आप देखिए ये कैसे हो गया है ना। तो ये फंक्शन जो है आपका वैसे ही चेंज हो रहा है, a बाई फोर कर दिया और छोटा हो गया है। ऐसे हम ये जर्नल भी लिख सकते हैं, ए मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो जर्नल है जिसको आप बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये साइन ए, है ना, तो आर ए इज इक्वल टू साइन ए लिख दिया, तो ये साइन का फंक्शन हो गया। देखो एक सर्कुलर फंक्शन हो गया, तो साइन फंक्शन एक सर्कुलर फंक्शन होता है। मैंने साइन टू ए कर दिया, तो आप देखो एक बटरफ्लाई जैसा शेप आ गया उसका, है ना। मैंने सेवन ए कर दिया साइन सेवन ए, तो अब आप देखिए एक फ्लावर जैसा शेप आ गया है। मैं इसी तरह से इसमें कोई दूसरा फंक्शन ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने कॉस एक फंक्शन इसमें ऐड कर दिया, वैल्यू उसमें कोसाइन की ऐड कर दी, है ना, कॉस सेवन ए कर दिया। अब आप देखो तो ये साइन और कोसाइन जो है दोनों मिलके एक नया एक फ्लावर जैसा यहाँ पे शेप आ गया है, एक नई वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो आप चाहें तो इनके वैल्यूज़ को बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इनके डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको विजुलाइज करा रहे हो बच्चों को, क्लास में समझाना बड़ा मुश्किल है कि साइन कैसे दिखता है, कॉस कैसे दिखता है। अब ये देखिए ये टेंजेंट ग्राफ है, तो एकदम एसिम्प्टोटिक ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। तो बच्चों को बहुत ही इंजॉय करने को मिलता है जब क्लास में हम इस तरह से किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बच्चों को ग्राफिकली विजुलाइज कराते हैं। तो ये के एम प्लॉट की मतलब एक खासियत है। इसी तरह से मान लीजिए मैं कॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, देखो तो टेन का उल्टा है, वो वर्टिकल एक्सिस पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया। मैं इसमें वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, मान लीजिए 5a, है ना, 6a, 7a, जो भी वैल्यू जर्नल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू मैं देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे उतना ये फैलता जा रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे आती जा रही हैं, तो ग्राफिकल व्यू कितना बढ़िया होता जा रहा है ना। कोई स्टार बनाना है, कोई चीज़ आपको बना के दिखानी है, तो ये बच्चों को बहुत ही यूजफुल लगेगा और बहुत ही काम का लगेगा। तो कोई भी फंक्शन को प्रदर्शित करने के लिए, खास करके ट्रिग्नोमेट्री को विजुलाइज कराने के लिए, ये जो प्लॉटर है ये प्लॉटर बहुत ही यूजफुल है। तो कोई भी इक्वेशन हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आर ए इज इक्वल टू 10 2 ए, या 10 का वैल्यू मैं बदल दूँ, कोई दूसरा वैल्यू लिख दूँ, है ना, 2 10 मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए 2 10 ए, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक ग्राफ आपका कैसा बन गया ना, अपोजिट दोनों साइड में आ गया है। इसमें मैं कोई और फंक्शन ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए सेक मैंने ऐड कर दिया, सेक ए, है ना। तो अब आप देखिए तो ये ग्राफ कैसे हो गया है। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आप दे रहे हैं वैसा ये चेंज हो रहा है, 2 sec के 2 tan ए। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कर्व यहाँ पे बना है। तो ये ही इसकी ब्यूटी है। मैं इसको मान लीजिए रिवर्स कर दूँ, तो रिवर्स करने पे मेरे को खाली इनपुट बॉक्स में जाके माइनस करना है। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, तो आप देखोगे ये शिफ्ट हो गया है, तो ये अपोजिट यानी इसका मिरर इमेज बन गया है। तो ये मिरर इमेज जो है आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ पर इसको दोनों को साथ में ऐड भी कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप इनपुट कैसे दे रहे हो, आप इनपुट में क्या दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो जैसे जैसे आप फंक्शन की वैल्यू चेंज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट को बदलेंगे, तो आपको वो वैसा दिखेगा। अब जैसे मैं इसी को थोड़ा सा और वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूँ, 2 10 a कर दिया मैंने, +2 sec a कर दिया। अब दोनों फंक्शन एक साथ ले लिए, अब मैं इन दोनों को अगर एक साथ करके देखूं, तो मेरे को ये पता चलेगा कि जो एक्स है उसकी जगह ए लिख दिया। अब आप देखिए तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ गए, है ना, और ये आप कितना बढ़िया ब्यूटीफुल एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पैटर्न जब बच्चे देखेंगे तो उन्हें ये भी दिखेगा कि साइन टेन कॉस सेक टेक में आपस में क्या रिलेशन है ना, और वो ये विजुलाइज करके बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड आप बच्चों को क्वेश्चन बना के क्लासरूम में उनको चेक कर सकते हैं, उनका इवेल्यूशन कर सकते हैं, होमवर्क उनको दे सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैंने कोई दूसरा फंक्शन ले लिया यहाँ पर, है ना, तो f(xt sin t) मैंने ले लिया। इसी तरह से मैंने y फंक्शन में cos t ले लिया, मैंने ये दो फंक्शन एक साथ ले लिए, है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग। तो अब आप देखिए वो यहाँ पर एक सर्कुलर इक्वेशन बना के दिखा रहा है कि यहाँ पर एक सर्किल फॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्लॉट रेंज उनकी बदल सकते हैं। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन में आपके पास चॉइस होती है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में जो इनपुट दे रहे हैं उसके एंगल आप बदल सकते हैं। जैसे मैंने -π तक इसको ले लिया, 0 से -π, तो वो आप देख रहे होंगे कि वो बदल गया। मैं पाई तक लूँगा तो ये हाफ सर्किल जैसा आपको दिख रहा है। इसी तरह से मतलब आप इसको किसी भी कोऑर्डिनेट में इसे घुमा सकते हैं, और ये आप
इक्वेशन एडिटर में जाके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या नॉर्मली आप इनपुट बॉक्स में जाके भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, मैंने आपको कहा जैसे ये प्लस पाई से माइनस पाई तक के बीच का प्लॉटर है तो आपको दिख रहा होगा एक सर्कल दिख रहा है। वैसे भी साइन और कॉस सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, तो ये बच्चों को समझाने में बहुत ही यूजफुल है। ब्लैक बोर्ड पे आप इतनी चीजें नहीं कर पाएंगे और बच्चों को भी नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह से मैंने वैल्यू चेंज करी, देखो मैंने जैसे इसको 2t करा है ना इनपुट में जाके, तो आप देख रहे हो वही सर्कल कैसे बन गया। अभी मैंने फिर से वैल्यू चेंज कर दी है ना, तो जैसे मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ आप देखो ये कैट जैसा यहाँ पे शेप बन गया है। अगर आपको कैट बनानी है, कोई मैस बनानी है, कोई छल्ला बनाना है ना, और इसको एनिमेट करना है, तो वो सारे फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आप देखिए, तो मैं जैसे जैसे वैल्यूज कुछ इनपुट में चेंज कर रहा हूँ, 70, 90, 40, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे ये ग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं। तो ये मतलब बच्चों को कई तरह से मोटिवेट करता है, कुछ एनिमेशन बनाने के लिए या अलग अलग तरह के पैटर्न बनाने के लिए, क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव इंटरैक्टिव बनाने के लिए और जॉयफुल लर्निंग के लिए ये प्लॉटर बहुत ही यूजफुल है। तो ये ऐसे मैं यहाँ पर अब फिर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे कोई ग्राफ को एनिमेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से वही लिया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी के, है ना। अब मैं के लिए, के अलग अलग मान के लिए मैं यहाँ पर पैराबोला को देखना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिया, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा, और मैं उसकी रेंज भी फिक्स कर सकता हूँ। और फिर मैं ये देखूंगा कि मैंने जो के लिया है यहाँ पर, ये के मेरे लिए क्या काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर के एक लिस्ट बनाई है, पैरामीटर की ये लिस्ट है, और उस लिस्ट को मैं उनको कुछ वैल्यू दे दूंगा, यानी मैं के को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जो भी वैल्यू मैं दूंगा उसी तरह के प्लॉट यहाँ पे बनेंगे, उतने प्लॉट यहाँ पे बनेंगे। तो आपको इनपुट यहाँ पर देना है के लिए, तो जो लिस्ट ऑप्शन है और स्लाइडर ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, कुछ भी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है और फिर मैंने ओके कर दिया। अब आप देखिए वही पैराबोला के अलग अलग के वैल्यूज के लिए कितने सारे पैराबोला बन गए है ना। तो आप इनको अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो, इनकी कलरिंग कर सकते हो। इसको आप देख रहे होंगे किसी फ्लावर को या कोई डिजाइन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर प्लॉट का नाम बदल रहा हूँ, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्लॉट है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस पर कितनी वैल्यू है तो कैसा ग्राफ है। इसी तरह से उनके मिनिमम मैक्सिमा चेंज कर सकते हैं। और आप ये जो लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट इसलिए बनाई है कि एक ही फंक्शन को आप कितनी तरह से कितनी बार विजुलाइज कर सकते हो, यानी रिपीटेशन ऑफ द प्लॉट है। तो के यहाँ पर नंबर है जो असाइन किया है, वो उस ग्राफ को बनाने में दिखाने में आपको बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये आप जितनी वैल्यू चेंज करेंगे, अब आप देखिए तो मैंने मैक्सिमम एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए भी इसको दिखाया और मिनिमम के लिए भी दिखाया, तो आपको कितना इसमें अच्छे से फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों को समझ आता है कि ये लिस्ट जो बनी है ये क्या काम कर रही है। इसी तरह से मैं यहाँ पे स्लाइडर लगा सकता हूँ, स्लाइडर मतलब एक बटन मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। मैं उसको स्लाइडर लगा के आप देखेंगे तो यही फंक्शन जो हमने बनाया है एफ ऑफ एक्स के का, वो फंक्शन आपको कैसे दिखेगा। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑप्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पर उसको स्लाइडर में जाके सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं स्लाइडर को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, अलग अलग स्लाइडर है। तो मैं पहला ही स्लाइडर यहाँ पर देख रहा हूँ, स्लाइडर 1, उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैं फिक्स कर लूंगा। तो मैं देख सकता हूँ कैसे, देखिए आप आराम से इस मैं स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ तो कैसे हमारा पैराबोला जो है वो 0 से 10 के बीच में मूव कर रहा है। मैं इसकी मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ कि कितने के बीच में मुझे देखना है। तो मान लीजिए मैंने -5 +5 के बीच में देखना, तो अब आप देखिए ये दोनों तरफ जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, प्लस में भी जा रहा है। और ये स्लाइडर आपको कितने अच्छे से जो है पूरे ग्राफ को विजुलाइज करा रहा है। इसी पर मान लीजिए मेरे को ये भी देखना है कि मैं एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके ग्राफ पे और एनिमेशन में चला जाऊँगा। तो ये एनिमेटर है, तो ये एनिमेटर क्या करता है कि आप देखिए मैं यहाँ पर इस ग्राफ को एनिमेट करना चाहता हूँ, वैल्यू मेरे पास है, तो अब आप देखिए खुद ही जो है यहाँ पर अपना आप ही एनिमेट हो रहा है। तो ये जस्ट लाइक अ जियोजेब्रा उसी तरह से काम करता है। ये डिफरेंट बस ये आपको देखना है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। इसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप इसकी इनिशियल फाइनल वैल्यू बदल सकते हैं, जितने स्टेप में आप इसको लेना चाहते हैं इसके स्टेप्स बदल सकते हैं। यानी रेंज के लिए आप मान लीजिए मैंने 0.5 दे दिया, तो वही रेंज अब आपकी यहाँ पे चेंज हो गई है।
तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूज़ हैं, ग्राफिकल वैल्यूज़, वो भी सामने सामने कैलकुलेट हो रही हैं, करंट वैल्यू भी आ रही है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आ रही हैं, वो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, वो सब यहाँ पर प्ले आपको बटन दबाना है और आपका ग्राफ एनिमेट होते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी ग्राफ को या किसी भी फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप एनिमेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैंने ये क्यूबिकल फंक्शन ले लिया, अब आप देखिए उसका ग्राफ ये चेंज हो गया है ना, तो क्यूबिकल फंक्शन भी यहाँ पर आपका कैसे दिखेगा वो आपको दिख रहा है। इसी तरह से कोई भी यानी क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट को एनिमेट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट है, या आपका कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं अननोन वैल्यू दे के हम उसको एनिमेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसके टेंजेंट देख सकते हैं। तो ये आप अच्छे से इस प्लॉट की मदद से कर सकते हैं। ऐसे एक कोई और फंक्शन ले लेते हैं, से मैंने कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस ऑफ एक्स ले लिया है ना, के वही फिर से कि कोई ऐसी वैल्यू हम के को देना चाहते हैं जिसका हम लिस्ट बनाएंगे और फिर उसको हम स्लाइडर की मदद से एनिमेट भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से लिस्ट में जो है के की वैल्यू दे रहा हूँ कॉस के लिए, तो मैंने कुछ वैल्यू दे दी 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, जो भी वैल्यू असाइन करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, उतना अट्रैक्टिव बनेगा। तो अब आप ये देखिए कि कॉस फंक्शन के कितना बढ़िया यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है। फिर से वही कि आप इनके कलर बदलना चाहो कलर बदल सकते हैं है ना, आप कोऑर्डिनेट बदलना चाहो, लिमिट बदलना चाहो है ना, प्लॉट रेंज बदलना चाहो बदल सकते हैं, और फिर वही कि अगर आप चाहो तो इस लिस्ट को देखकर आप जो है इस लिस्ट को देखकर आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, देख सकते हैं किस वैल्यू पर के कितना था, तब ग्राफ कैसा दिख रहा था है ना। तो इसी तरह से आप चाहें तो स्लाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने पीछे वाले फंक्शन में किया था वैसे हम यहाँ पर भी स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस को जो है स्लाइडर में अगर हम देखना चाहें तो हमें कैसे दिखेगा वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्लाइडर 2 ले लिया, अब ये आपकी इच्छा है, 1 भी ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, तो स्लाइडर 2 को मैं फिर से व्यू में जाके स्लाइडर सेलेक्ट करूंगा, और मैं क्योंकि स्लाइडर 2 मैंने सेलेक्ट किया है तो स्लाइडर 2 पर अगर आप क्लिक करेंगे है ना, उसको आप स्लाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे ग्राफ मूव कर रहा है। यहाँ पर भी वही है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, प्लॉट रेंज आप फिक्स कर सकते हैं, और फिर आप चाहो तो इसी ग्राफ को हम एनिमेट भी कर सकते हैं यहीं पर। तो ये क्रॉस वायर को आप ग्राफ पे फिक्स कर दीजिए, आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके एनिमेट द प्लॉट में जाइए, और जैसे कि हमने प्रीवियस में किया था आप रेंज बदलना चाहो, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू बदलना चाहो है ना, और उसको फिर प्ले कर दीजिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये कॉस फंक्शन आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, कैसे मूव करती है, तो वो आप बच्चों को शो कर सकते हैं। इसी तरह से साइन फंक्शन को भी दिखा सकते हैं, टेंजेंट को दिखा सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन को आप अच्छे से एनिमेट करके बच्चों को विजुअलाइज करा सकते हैं, और स्लाइडर की मदद से हम एनिमेटर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये फीचर्स आप हम जो है अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो इस तरह से किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को आज आप क्लास में क्या दिखाने वाले हैं। जितना आप अट्रैक्टिव ग्राफिक्स दिखाएंगे उतना आपकी क्लास इंगेज होगी और बच्चे क्लास को एंजॉय करेंगे है ना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि मैंने मान लीजिए ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x2, आप कुछ भी ले लीजिए, मैं जस्ट एक आधा फीचर जो कुछ आप दिखाना चाहें कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसी फंक्शन का क्या होगा वो आप देख सकते हैं। एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ये बीचों बीच एक्सिस के क्रॉस होते हुए जा रही है, तो 0 से पास हो रही है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। आप चाहें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको आप अलग कलर दे दीजिए ताकि पहचान में आए कि फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा है सेकंड कौन सा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्लांट लाइन है और जो सेकंड डेरिवेटिव स्ट्रेट ग्रीन लाइन है, तो आपको दिखता है कि यहाँ पर वही इक्वेशन जो आपने सिंपल ली थी उसका डिफरेंशियल फॉर्म कितना है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट कितना है सेकंड कितना है, आप उसका इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं, तो जो इंटीग्रल है उस डेरिवेटिव का उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हैं उसी फंक्शन का कि क्या आएगा है ना, और उसको फिर आप प्लॉट नेम दे सकते हैं, प्लॉट वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी वैल्यू देने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए। तो इस तरह से आप
किसी भी ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए KM प्लॉट को यूज़ कीजिए। आपके क्लासरूम बहुत ही इंगेज रहेंगे, लाइव रहेंगे, जॉयफुल लर्निंग होगी और जो टफ चीज़ें हैं बच्चों को समझने में मदद होगी। इस तरह से आप कई सारे अनुप्रयोगों के लिए KM प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यह आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने क्लासरूम को इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए।